नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां मंत्री पुत्र और यातायात पुलिस में लात घूसा चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के एक मंत्री के पुत्र की बहस बालू के एक ट्रक को निकालने के लिए यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर से चल रही है, जिसमें मंत्री पुत्र सत्ता की हनक दिखाते हुए यातायात पुलिस के इंस्पेक्टर को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। मंत्री पुत्र और यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बीच हुई यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। घटना बुधवार की रात की बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि जनपद पुलिस इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि पे हाथ बढ़ाओगे तो सोनू, जो कोई कांस्टेबल है सेंगा मारे, हाथ बढ़ाई ने बदतमीजी करी ने सेंगल ने, हाँ जो बात करो नाम बताओ, इसको नाम बताओ, नाम बताओ, हाँ ऐसा आपको भाई साहब बोल रहे, अरे हम बंदवारों बोल रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम अभी चला कि क्या हो गया यहाँ पर, सोनू इसने मारे है यार, ऐसा यार हाँ बड़ा इसने, इस जगह का नाम नाम है नाम वीडियो बना रहे हैं नाम का है सकल देखो ना। इस खबर में बस इतना ही, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।